दीपावली, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू एंड बहुत सेफली दीपावली खेलिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और इस समय मॉर्निंग का बज रहा है 9 और मैं नहा चुकी हूँ और मैं थोड़ा सा ऊपर आई हूँ धूप के लिए कि थोड़ी देर धूप में रहूँ और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। इस समय मैं यहाँ पे अपने स्टेयर्स पे खड़ी हूँ बिकॉज छत पे धूप है तो कैमरे में रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए मैं इधर आके आपकी बात कर रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में ताकि सारा रूटीन स्टार्ट करते हुए आज की, तो चलिए चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे रेगुलर फॉलोवर हैं वो जानते हैं कि इस समय मेरा जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो जीरा वाटर यानी क्यूमिन सीड वाटर होता है। तो जस्ट किचन में फर्स्ट सबसे पहले आके मैं वही रेडी करती हूँ। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डाला है और 1 कप पानी लिया है। 1 कप पानी के ऊपर थोड़ा सा ऊपर ही होगा, बहुत ज़्यादा मेजरमेंट नहीं किया है, जस्ट अंदाजे से डाल दिया पानी। और 1 कप एक इसमें चम्मच मैं जीरा डालूंगी और इसे बॉयल होने दूंगी। एक बॉयल आएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब ये रेडी हो जाएगा। तो मैंने जीरा वाटर पी लिया है और अब मैं यहाँ पे इवनिंग की तैयारी थोड़ा करके रखूँगी। मैं यहाँ पे उड़द की दाल को पूरा साफ़ करके और उसे भिगो रही हूँ ताकि उसकी कचौड़ियाँ रात में रेडी हो सके। तो मॉर्निंग में मैं इवनिंग की तैयारी कर रही हूँ उसके लिए। आज मेरे यहाँ, मतलब हर दीपावली, आज की बात नहीं कर रही हूँ, हर दीपावली मेरे यहाँ चने की दाल और कद्दू की दाल, जिसे कद्दू डाल के बनती है, जिसे पम्पकिन दाल भी बोलते हैं, और ये दाल आई थिंक हर लोगों के यहाँ बनती होगी। और चने की दाल जो है हर फेस्टिवल में बनती भी सब लोगों के यहाँ है, और मतलब हर फेस्टिवल में बनती है। आज अरहर की दाल नहीं बनती है, मूंग की दाल नहीं बनती है, या तो उड़द की दाल या फिर चने की दाल बनती है। इसमें मैं कद्दू डालूंगी, नॉर्मल प्लेन नहीं बनाने वाली हूँ, और इसमें नॉर्मल मैं हल्दी डालूंगी, नमक डालूंगी और गरम मसाला डालूंगी, टमाटर डालूंगी, मैं आई थिंक सबको जैसे जो नॉर्मल दाल होती है। और हर मतलब हर दीपावली हमारे यहाँ बनती है, आज का नहीं है। सो ये नॉर्मल दाल बनेगी, चावल बनेगा, रोटी बनेगी और देखती हूँ मैं कि सब्जी का क्या है। तो आज मॉर्निंग में ये बनने वाला है, फिर इवनिंग में देखूँगी कि मुझे क्या तैयारी करनी है। तो आज का हमारा जो मॉर्निंग का मेन्यू है वो पम्पकिन दाल है। सो दाल को मैंने गैस पे चढ़ा दिया। अब बारी आती है मेरे ब्रेकफास्ट की, क्योंकि मुझे 15 मिनट हो चुका है क्यूमिन वाटर लेते हुए। तो आज मैं मूसली ले रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी में हूँ और मैं मोस्टली मूसली ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मूसली लिया है और इसमें मैं अब गर्म दूध ऐड करूँगी। मूसली को हो सके तो फ्रिज में ही रखिए वरना उसमें चीटियाँ हो जाएंगी। तो मैं इसमें लो फैट मिल्क यानी काऊ मिल्क ऐड करूँगी, मैं इसमें शुगर ऐड नहीं करूँगी। मॉर्निंग का एम यही होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है वो फिनिश करूँ ताकि मैं लंच का बिल्कुल एक्यूरेट टाइम ले सकूँ, मेरा कुछ भी ना हो। तो दाल चढ़ा के क्यूमिन सीड वाटर लेके मैं अपना यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट फिनिश करूँगी। उसके बाद मैं 1 कप चाय लूँगी, दूध वाली, 1/2 कप, और उसमें शुगर ऐड नहीं करूँगी। तो ये मेरा आज का नाश्ता होने वाला है और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी खुद नहीं पता है कि मुझे आगे क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। तो मॉर्निंग के बाद अब मुझे आप लोगों से बात करने का टाइम मिला है बिकॉज ऑफ इतना सारा काम था, आप लोगों ने देखा मैंने खाना बनाया सब कुछ, अब फ्री हो गई हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ रंगोली, और रंगोली के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। ये पूरा मैंने एक प्लेट बनाया है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या लिया है और कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है ये पिंक कलर और ये येलो कलर, कुछ स्टेंसिल्स लिए ताकि बनाने में मुझे
इजी हो जाए। और ये सिल्वर कलर लिया है, टूथपिक्स लिए हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कि मैं बहुत ही सिंपल बनाऊंगी, बिकॉज मुझे ज़्यादा आर्ट नहीं आती है, तो मैं रंगोली मेहंदी ये सब नहीं लगा पाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं कितना इजी वे में इसे बनाती हूँ। तो रंगोली बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे इवनिंग की खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ दम आलू, थोड़ा सा अलग वे में। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो आलू को जैसे आपको पील करना है और उसमें नाइफ की हेल्प में थोड़े थोड़े से छेद करना है, ताकि जो मसाला है वो आलू के अंदर जा सके। तो आपको इसे डीप फ्राई करना है और काफ़ी ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और मैं इसमें खड़े मसाले भूनूंगी, सौंफ, जीरा और इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, अगर दालचीनी हो तो वो। तो ये सारी चीज़ों को मैं भूनूंगी, और भूनना इसलिए भी चाहिए ताकि वो गर्म होके जो उसके अंदर का ऑयल है वो निकल सके। तो आपको इसे पीसना है। पूरा मसाला मैं इस सब्जी में ऐड करने वाली हूँ, और थोड़ी देर से इसे ठंडा होने दीजिए। आलू को भूनना है, मैं इसकी प्रिपरेशन करनी हूँ। तो इस जो मैंने यहाँ पे मसाला ऐड किया है, उसमें मैंने टमाटर और प्याज को एक साथ ग्राइंड कर लिया है। और आप इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए, जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए। और मैं इसी मसाले में और जो मसाले ऐड कर लूँगी, टर्मरिक लगभग एक टेबल स्पून ऐड करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा सब्ज़ी बना रही हूँ। धनिया ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच। और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ढेर सारा कश्मीरी मिर्च, क्योंकि ये तीखा नहीं होता है, लेकिन मैं कलर के लिए इसे ऐड करूँगी। लगभग 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी, जिससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा।
और सारे मसालों को मैं ऐसे ऐड करके रख दूँगी ताकि जब मैं सब्जी के लिए कुकर चढ़ाऊँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, कुछ ढूंढना ना पड़े इधर उधर। तो मैं सारी तैयारियाँ पहले कर लेती हूँ। तो एक मसाला मैं ये रेडी करूँगी और जो मैंने खड़े मसाले को पीस के रखा था उसका भी मैं दिखाऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं लगभग एक कटोरी से कुछ कम दही लूँगी और उसमें ये सारे मसाले ऐड कर लूँगी। तो अब मेरी सारी प्रिपरेशन रेडी है सब्जी बनाने की। आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, जिसे बहुत गर्म करना है। बहुत गर्म करने का सेंस कि जो ऑयल है वो अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा पन ना हो। मैं उसमें लगभग हाफ टेबल स्पून जीरा डालूँगी और वो जो मैंने प्याज टमाटर और कश्मीरी मिर्च का पेस्ट रेडी किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैं इसमें ऐड करूँगी। गैस को इस समय धीरे ही रखिएगा वरना बबल्स पूरा आपके कपड़ों पे आएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ और इसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के इसे काफ़ी अच्छे से फ्राई करने वाली हूँ। ऑलरेडी मसाला पड़ा हुआ है तो आपको इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से ऑयल जो है वो बाहर ना जाए। आई थिंक हर किसी को पता है कि जब ऑयल छोड़ देता है आपका मसाला, इट मीन्स कि आपका मसाला और वो जो ग्रेवी है वो रेडी है। सो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसे हिलाते रहिएगा ताकि कुछ भी चीज़ें इधर उधर ना हो, मसाला लगे नहीं गैस में। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे फ्राई करती रहूँगी ताकि जो मसाला है वो ऑयल छोड़ दे। आई थिंक एक दो मिनट में जो ऑयल है वो मसाला छोड़ देगा और टमाटर प्याज अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो देख रहे हैं मसाला लगभग पकने वाला है यानी ऑयल छोड़ दिया। इसके बाद जो मैंने दही वाला मसाला ऐड किया था जिसमें खड़े मसाले और दही मिलाया था, वो मसाला मैं इसमें डाल दूँगी सारा। और इसे उतना पकाने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ मैंने मसाले भुने हुए हैं और दही बहुत ही जल्दी, और दही ना फटे ये भी ध्यान रखिएगा, दही ना फटे। इसके लिए आपको इसे प्रॉपर चलाना है, अगर आप प्रॉपर नहीं चलाएंगे तो आपका दही फट जाएगा और सब्जी का देखने का वो मज़ा नहीं रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से चलानी है, मिलानी है, और जब इसमें से भी आपको ऑयल दिखने लगे तब आपको इसमें जो है पोटैटोज़ डाल के, और पानी कभी भी कच्चा मत डालिए ऐसी सब्जियों में। मैंने ऑलरेडी पानी पका लिया है तो पानी मैंने दूसरे कुकर में पकाया है और मैं इसे काफ़ी देर तक हिलाती रहूँगी ताकि जो है दही फटे नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरा दही नहीं फटा क्योंकि मैंने इसे काफ़ी चलाया है और इसने भी मसाला छोड़ने में टाइम नहीं, इसको जो ऑयल है छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा, मोस्टली आधा मिनट यानी 30 सेकेंड लगेगा ये अपना सारा मसाला छोड़ देगा। तो मैं इसे अभी भी चला रही हूँ और आप कलर देख सकते हैं, जो मैंने डिज़ायर कलर सोचा था सब्जी का वो आ गया है। अब मैं इसमें सारे फ्राइड जो पोटैटोज़ हैं, आलू हैं, वो डाल दूँगी जो मैंने डीप फ्राई किया था, और सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है क्योंकि आज सब लोग आने वाले हैं इसीलिए मैंने बड़ा कुकर चढ़ाया है, वरना इतनी सब्जी हमारे यहाँ नहीं बनती है। और मैं इसमें बॉयल्ड पानी डालूँगी तभी सब्जी का टेस्ट आएगा, वरना सब्ज़ी कच्ची कच्चे सा पानी लगेगा। और इसी समय आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और इसे बॉयल होने के लिए पहले एक बार तेज़ गैस करिए फिर धीमी गैस करके, ताकि सब कुछ अच्छे से मिल जाए और हमें गाढ़ा रसा मिले, जो मैंने सब्ज़ी सोची है वो हमें डिज़ायर मिले, आप जितना मतलब कि गाढ़ा चाहते हो।
फ्रेंड्स, तो जस्ट पटाखे जलाने के बाद हम मैं अपना डिनर फिनिश कर रही हूँ। आज डिनर में कुछ हैवी है, मीन्स आज जो भी डाइटिंग वाइटिंग है वो सब गई, और मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। आप लोगों के साथ मैंने रेसिपी शेयर की थी, वो खा रही हूँ। यहाँ पे कचौड़ी एंड चाय, दिस इज़ माई डिनर। और इस समय टाइम हो रहा है रात के 10:30, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, बिकॉज मुझे अभी ब्लॉग बनाना नहीं आता है, जस्ट ट्राई कर रही हूँ लोगों को देख देख के कैसा लगा और रेसिपी कैसे लगी। और ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही टेस्टी है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो या फिर ब्लॉग में। अगर बहुत सारे लाइक्स आएंगे इसमें तो ज़रूर मैं समझूंगी कि वीडियो आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया, और मैं आप लोगों के साथ आगे भी ब्लॉग शेयर करती रहूँगी। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।